हे एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूजिक मम्मी स्टूडियो। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूली लॉन्च NY बे का प्रो प्राइमर कलर करेक्टर। तो मेरे पास है NY बे का प्रो प्राइमर, ये येलो वाला कलर करेक्टर है। ये विथ प्राइमर आपको मिल जाता है और साथ ही साथ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। तो इसका आपको दो शेड ग्रीन और ऑरेंज मिल जाते हैं। मेरे पास फिलहाल अभी येलो वाला करेक्टर है। तो आपको मैं आज ये भी बताऊंगी कि कौन सा वाला कलर करेक्टर किस वाले स्किन टाइप्स के लिए यूज होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये वाला जो कलर करेक्टर प्राइमर है, ये आपका कलर करेक्टर का काम करता है या नहीं करता है, और साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स को भी ये फिल करेगा या नहीं करेगा, तो कितना वर्क करता है ये हमारे ऊपर, आपके स्किन के ऊपर। तो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो ट्राई करना तो बनता है। तो मुझे फिलहाल कलर करेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मैंने फिलहाल अभी ये येलो वाला कलर करेक्टर प्राइमर ही लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना वर्क करता है या कितना नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू और डेमो आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की। यह आपको कुछ इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाता है। सामने इसको आपको इस तरीके से कैप मिलती है, इस तरीके से ये आपको मिल जाता है। और ये येलो कलर करेक्टर है तो इसीलिए इसके बाहर से इसमें येलो कलर है, और साथ ही साथ बाहर इसमें मेंशन हो रखा है NY बे प्रो प्राइमर येलो कलर करेक्टर फेस प्राइमर, ये इसमें पूरा मेंशन हो रखा है। और बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग है इसका 249 रुपीज। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर की जाए तो इसमें आपको 2.5 साल की मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है, और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 15 ml इसकी आपको क्वांटिटी मिल जाती है। तो ये आपको पर्पल में मिल जाएगा। पर्पल में कुछ ना कुछ सेल चलती रहती है, तो डिस्काउंट आपको सारे ही प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम टाइम आपको मिल ही वहां पे जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी टेक्सचर की, ये आपको किस तरीके से मिलता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से येलो कलर का मिल जाता है, आप देख सकते हैं येलो कलर का है। ये देखिए क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, ये देखिए बिल्कुल भी वॉटरी नहीं है, क्रीमी इसका टेक्सचर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा इसका आपको टेक्सचर मिल जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है। और साथ ही साथ ये जो येलो वाला जो कलर करेक्टर होता है ये किसके ऊपर वर्क करता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन वाले होते हैं ये उन लोगों के ऊपर वर्क करता है, और साथ ही साथ ब्लू और पर्पल कलर को ये कैंसल आउट करता है। तो मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर टोन के होते हैं, जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होता है, जैसे कि आपका ये येलो कलर करेक्टर है, मैं आपको इजी से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लो जैसे जो लोग फेयर स्किन टोन के होते हैं उन लोगों की बेसिकली आप देखते होंगे स्किन में नस दिखती है आपको अंदर से। तो जैसे देखिए आप, जैसे ये आपको दिख रही होंगी मेरे हाथ में ये नसें, मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जांपल, आपको ये नस दिख रही है। तो जो ये येलो वाला कलर करेक्टर होता है बेसिकली ये इसको कैंसिल आउट कर देता है, इसको अच्छे से कवर कर देता है। और साथ ही साथ ये जो ये वाला कलर करेक्टर है इसमें आपको प्राइमर भी साथ ही साथ मिल जाता है, तो ये आपके ओपन पोर्स को भी फिल कर देता है और आपके कलर करेक्टर का भी काम कर देता है। तो ये एक ट्यूब आपका दो काम, डबल काम कर देती है, आपका कलर करेक्टर का भी काम करती है और साथ ही साथ आपका प्राइमर का भी काम करती है। तो आपको एक ही चीज मतलब अप्लाई करने की जरूरत है, आपको अलग से नहीं कुछ अप्लाई करना है प्राइमर। तो ये भी आपका कलर करेक्टर का भी काम करेगा और आपका प्राइमर का भी काम करेगा। तो देखिए नस आपको दिख रही है, तो देखते हैं ये इसको कैंसिल आउट करता है या नहीं करता है। तो जैसे इसको डैप डैप कर लेंगे और इसको आपको थोड़ा सा सही क्वांटिटी में लेना है। आपने देखा मैंने भी कितना इसको यूज करा है, तो मैंने इसको भी इतने इतने पोर्शन में इसको अप्लाई कर लूंगी। इसको आपको जस्ट डैप डैप करके इस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो ये देखिए मैंने इसको डैप डैप करके अप्लाई कर लिया है अपने आगे वाले पोर्शन में, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि इसमें आपको मेरे हाथ की जो नसें थी वो पूरी की पूरी क्लियर दिख रही थी ना इस वाले पोर्शन में, ये देखिए। तो मैंने इसके ऊपर जस्ट डैप डैप करके अपना जो प्राइमर कलर करेक्टर है येलो वाला उसको अप्लाई कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि इस वाले हाथ में और इस वाले हाथ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा।
तो ये देखिए, इस वाले हाथ में आपको नस मेरी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होंगी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस वाले में मैंने प्राइमर अभी अप्लाई कर लिया है तो उसने उसको कवर कर लिया है, प्राइमर का भी काम कर लिया है और साथ ही साथ आपका कलर करेक्टर का भी काम कर लिया है। ये देखिए दोनों में फ़र्क, तो ये फ़र्क होता है। तो जो हमारा येलो वाला कलर करेक्टर होता है वो बेसिकली ये वर्क करता है, ये देखिए। तो दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर एकदम। तो ये है हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर, ये भी सेम वैसे ही है, बस इसका कलर अलग है। ये ऑरेंज कलर करेक्टर है, इसमें भी आपको प्राइमर मिल जाता है। ये आपके डार्क सर्कल के ऊपर वर्क करता है और ये कोई भी डार्क स्पॉट को कैंसिल आउट करता है। मीडियम टू डार्कर स्किन टोन के ऊपर ये मैक्सिमम मतलब आपका वर्क करता है। आते हैं अपने ग्रीन कलर करेक्टर के ऊपर, तो अब बात करते हैं ग्रीन कलर करेक्टर की। ये रेडनेस को कैंसिल आउट करता है, यानी कि अगर आपके फेस में किसी भी कोई भी प्रकार की आपकी रेडनेस है, पिंपल के निशान है या कैसी भी आपके फेस में रेडनेस है, तो ये उसके ऊपर वर्क करता है। ये आपकी डार्कनेस को या फिर आपकी अगर फेस पर डिस्कलरेशन की आपको प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सॉल्व करता है, बट ये मेन रेडनेस पे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे येलो कलर करेक्टर लूंगी। और आपको अगर अच्छा कवरेज चाहिए तो आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे अपने हाथ पे लेना है, मैंने भी इस तरीके से लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके का है। ये येलो कलर का आपको मिलेगा, इसको डॉट डॉट करके आपको जहाँ जहाँ लगाना है आपको इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको रगड़ना नहीं है, इसको डैप डैप करके अप्लाई करना है। तो आप डिफरेंस खुद देख सकते हो आप अभी, तो ये आपके फेस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको खुद दिख रहा होगा। जहां जहां लगाना है हाईएस्ट पॉइंट पे भी लगा सकते हैं और डैप डैप करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे फेस पे कितने अच्छे से वर्क कर रहा है इसने। ये आपके डार्क एरिया जो आपके फेस में डार्कनेस होती है या फिर आपके अंडर आई एरिया जो डार्क होता है वहां उसको भी अच्छे से कवर कर देता है। तो आप पूरे फेस पे भी इसको एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो, आपके डार्कनेस को भी ये कवर कर देता है और एक स्मूथ सा बेस बना देता है, ओपन पोर्स को भी ये क्लोज कर देता है। तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपका जो ये जो मैं हमारा जो ये प्रोडक्ट है NYB का, कलर करेक्टर के साथ साथ ही आपका प्राइमर भी है। तो ये क्या वर्क करता है, ये आपका एक तो मैट फिनिश आपको मिल जाता है, लाइट वेट फॉर्मूला है ये, क्विक ऑब्जर्व हो जाता है और साथ ही साथ आपको ये इसका जो टेक्सचर है वेलवेटी टेक्सचर इसका आपको मिलेगा और ये सॉफ्ट और आपका स्मूथ बेस आपको देता है। तो आप देख सकते हैं फर्क आपको पहले में और अब में दिख गया होगा कितना ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कलर करेक्टर को लेके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल फ्री है। तो बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। और इस वाले प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।